मध्य प्रदेश का घटनाक्रम दूसरे राज्यों में भी असर डालेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और मध्य प्रदेश के घटनाक्रम ने कांग्रेस को कमजोर साबित कर दिया है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव से मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं और बात करते हैं रामकृपाल यादव से। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का घटनाक्रम हुआ, बिहार में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, क्या असर देखते हैं दूसरे राज्यों में? मध्य प्रदेश का घटनाक्रम क्या असर डालने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी खास तौर पे विपक्ष में तो वही है ना, उस पर लोगों का, जनता का विश्वास हट चुका है और उनके नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी को खुद से भरोसा नहीं है। ये जो मध्य प्रदेश की घटनाक्रम हुई है, ये तो इनके आपस के कलह ही खत्म कर दिया ना। और अब हिंदुस्तान में जितने कांग्रेस मैन हैं, चाहे MLA हो, MP हो या कोई भी पदाधिकारी हो, सब इनसिक्योर फील कर रहे हैं, असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में मेरा भविष्य जो है खत्म हो जाएगा। तो अनसिक्योर आदमी है, सिक्योर चाहेगा ना अपने आप को करने के लिए, इसलिए अपना अपना अलग रास्ता देख रहा है। हम देख रहे हैं बीजेपी ऐसे नेताओं पर खास तौर से दांव लगा रही है जो राज्य विशेष में अपनी राजनीतिक जमीन को उन्होंने मजबूती से पकड़े हुआ था। ऐसे नेताओं पर हमने देखा है, बिहार से आप आते थे, कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी में थे, आप बीजेपी में हैं, तो ऐसे नेताओं पर दांव लगाती है बीजेपी समय समय पर। मध्य प्रदेश में भी ये समीकरण निकल कर आया है, तो जो बाहर के नेता है वो कितना मजबूत कर पाएंगे बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, और ख़ास तौर पर मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, अपने सरकार के योजनाओं के माध्यम से लोगों का विश्वास जीता है, मैं समझता हूँ कि आज आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं और बीजेपी पर लोगों का भरोसा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए हिंदुस्तान के कल्याण के लिए, हिंदुस्तानियों के कल्याण के लिए, देशवासियों के कल्याण के लिए एकमात्र पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, और इसलिए सब लोग अपने आप को जोड़ना चाहते हैं ताकि वो राष्ट्र की सेवा कर सके, देश की सेवा कर सके और एक नीति और सिद्धांत के तहत काम कर सके। तो आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश की आवाज जो है बिहार तक सुनी जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश की आवाज कांग्रेस पार्टी, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, मगर मध्य प्रदेश की जो कांग्रेसियों के हालात हैं, वही हालात पूरे बिहार में भी है, पूरे देश में भी है। कहाँ कहाँ किस तरह का टूटन होगा आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। धन्यवाद बात करने के लिए रामकृपाल यादव। इस वक्त जब बता रहे थे इस समीकरण को लेकर जो मध्य प्रदेश में हुआ है और जो राज्य, जिन राज्यों में चुनाव होना है उन पर क्या असर डालेगा, उस सियासत पर ये पड़ताल कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि मध्य प्रदेश की आवाज़ बिहार तक जाएगी और कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ाएगी ही। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।